सर्वाइवल हर सूट का धोखे पर भी राजनीति बना। ये चित्र सबके सामने है, मैं नहीं कह रहा, हर सूट के लोग कहते हैं कि किस प्रकार से ये धोखे की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, बरगलाने की राजनीति, दबाने की राजनीति, छिपाने की राजनीति, जुर्म की राजनीति। और ये याद रखें, 5 महीने बाद क्या होने वाला है। ये जो जुर्म किया है इन्होंने, जो दबाव किया है, जो हमारे लोगों को परेशान किया है, कल के बाद परसों भी आएगा। अभी आप विकास की बात कर रहे थे, अभी देख रहे हैं दोनों दल चुनाव नजदीक आते लोक लुभावनी घोषणाओं पर अपना अमल कर रहे हैं, विकास की बात कहीं नहीं होती, तो क्या इससे विकास संभव है इस प्रकार की योजना? मैं तो केवल विकास की बात करता हूँ। 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, 22,000 घोषणाएं करी है, दीमक की तरह ये 18 साल चाट रहा है प्रदेश को। ये आज हालात हैं, खोखला शिक्षा व्यवस्था, खोखली स्वास्थ्य व्यवस्था, खोखली कृषि व्यवस्था, खोखली भर्ती व्यवस्था, जहां देखो ये खोखलापन जो दीमक ने खाया हुआ है, और अर्थव्यवस्था खोखली, ये आज सबके सामने है। और हमारी तो 15 महीनों की सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, ये तो सच्चाई है ना। और 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, सौदा कर लिया, सरकार बना ली, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने तय किया था, विधायकों ने मेरे से बात करी थी, मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं, सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता, मैं कुर्सी पर सौदा करके नहीं बैठूंगा, जिसको जाना है जाए, सौदा कर लिया। और हमने अपने 12 महीनों में, 11.5 महीनों में अपने नीति और नियत का परिचय दिया, ये मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है, और यही जनता पर मैं पूरा भरोसा कर रहा हूं। भाजपा कह रही है कि आप 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, देश कंगाल हो जाएगा, प्रदेश कंगाल हो जाएगा। प्रदेश की बात कर रहे हैं, 3,30,000 रुपए इन्होंने कर्जा लिया है, जिसका ब्याज पटाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। ये तो अब तक लिया है, अगले 5 महीने में कितना कर्जा लेंगे? मेरा तो एक साफ प्रश्न है, 3,30,000 रुपए का हुआ क्या? क्या हमारे संविदा शिक्षक को फायदा हुआ? क्या हमारे आशा उषा कार्यकर्ता को फायदा हुआ? क्या हर सूट के उसमें से 1 करोड़ भी मिला? ये इन्होंने 3,30,000 करोड़ का उपयोग किया बड़े बड़े ठेके देने में। 15 महीने के देख लीजिए कितने ठेके दिए, ठेके दिए ताकि ये अपनी कमीशन बना लें। ये खुलासा करें कि 15 महीने में, मैं चैलेंज करता हूं, इन्होंने कितने ठेके दिए, खुलासा कर दे, पब्लिक को बताएं, और कितनी कमीशन दी, कमीशन ली बाल विजय योजना। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 70% योजनाएं हाँ बंद है, 70% योजनाओं में काम नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश का हाल है। सर फिर आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? डेफिसिट तो ऑलरेडी 3.3 लाख मैनेजमेंट से, जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमारा केवल कर्जा माफ करने का नहीं था, हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आई, हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है, 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र की है, हमारे किसान की जेब में पैसा होता है तो गाँव में किराने की दुकान भी चलती है, ये बाजार चलता है, कोई बैतूल से नहीं आता इस बाजार में, कोई भोपाल से नहीं आता इस बाजार में। हमने कृषि क्रांति लाने का प्रयास किया, हमने शुरुआत करी, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, और ये गवाह है। हमने ये बात
ये बात सबके सामने है, किसी को खाद बीज के लिए भटकना नहीं पड़ा। सही बात है, सही बात है सर, सही। खाद बीज के लिए भटकना नहीं पड़ा, उनको सही मूल्य मिले। आज आप एमआर मालवा में जाइए, लहसुन का, प्याज का, टमाटर का क्या भाव है। कमला जी, आज जो आपने सभा करने की, आज बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है, बिरसा मुंडा जी को स्वीट पॉइजन दे दिया, क्या लगता है कि यहाँ जो भरपूर हलवा के आदिवासी है उन्हें भी स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, विकास ये है कि किसी भी विकास का विजय नहीं, विकास का विजन होता है, विकास टेलीविजन से नहीं होता, विजन से होता है। यहाँ निवेश आता है जब लोग विश्वास करें मध्य प्रदेश में। हमारे पांच प्रदेश मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं, मध्य प्रदेश पांच प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको केरल और तमिलनाडु में सामान बेचना है तो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, यहाँ के नहीं लगाता। सर, हरसूद जो है वो इंदिरा सागर परियोजना से विस्थापित हुआ है और यहाँ 42% के लगभग लोग विस्थापित थे और एक मध्य प्रदेश सरकार ने एक पुनर्वास नीति लागू करी थी कि प्रत्येक परिवार को जो है प्राथमिकता दी जाएगी रोजगार में, लेकिन विस्थापित लोग संघर्ष करते रहे कि उनको पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाए। बीजेपी उमा भारती की सरकार का विस्थापन हुआ था, शिवराज सिंह की सरकार आ गई, यहाँ पर आंदोलन हुआ, लेकिन पुनर्वास नीति लागू नहीं हुई। पुनर्वास नीति कहीं नहीं लागू हुई, जिनको मैंने तो कहा शुरू में, जिनको पट्टे भी दिए वो ऐसे पट्टे दिए जहाँ उनको लाभ नहीं है, वो आप सब जानते हैं। क्योंकि 33 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हरसूद की जनता से महसूस करूंगा कि मैं इसको छिंदवाड़ा जैसी प्राथमिकता। कमला जी, मेरा एक सवाल है आपसे, विजय शाह ने एक कार्यक्रम रखा है सामूहिक कार्यक्रम, आपके कार्यक्रम फेल करने के लिए, इसको आप क्या कहेंगे? अभी रोशनी में कार्यक्रम चल रहा है सामूहिक विवाह का, इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है, और किस तरह के नाटक चल रहे हैं मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जनता गवाह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉम्बे बाजार सेफी मार्केट में पिछले 50 साल से पुराने अप्सरा ड्रेसेस वालों का जींस जंक्शन आपके लिए लाया है। दूल्हे एवं पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों की पूरी रेंज सहित सूट, कोट, शेरवानी, ब्लेजर, जैकेट, जींस, टी शर्ट, ट्राउजर, नाइट सूट इत्यादि।